आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडीआईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सईद मोदी के मर्डर की। सईद मोदी की बात करें तो आपको पता ही है कि बैडमिंटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम थे और इनके नाम से तो नेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं, सईद मोदी नेशनल चैंपियनशिप, तो एक बहुत बड़ा नाम। कैसे सईद मोदी को मारा गया? इतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, सिर्फ और सिर्फ 26 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। इनको गोली मार दी गई, सीने में 5 गोलियां मारी गई थी और बहुत ही पास से मारी गई थी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि मारी किसने, ये अभी तक नहीं पता चला। अभी तक नहीं पता चला इनको किसने मारा, लेकिन जो शक की सुइयां हैं वो बहुत लोगों पे गई। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्यार जो है कभी कभी हानिकारक भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं इनका वीडियो इसलिए ला रहा हूं क्योंकि इन पे एक सीरीज आ रही है, ठीक है? तो मैंने सोचा कि इनके बारे में आपको बता दूं। सीरीज देखने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिड अंडरस्कोर रीकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों पहले तो आप सईद मोदी के बारे में जान लीजिए। सईद मोदी नरेंद्र मोदी जी के रिश्तेदार नहीं है, ठीक है? सईद मोदी, उनका असली नाम है सईद मेहदी हसन जैदी। मेहदी है, सईद मेहदी, लेकिन जब स्कूल में गए तो कुछ गड़बड़ी के कारण इनका नाम मेहदी से मोदी हो गया और तब से सईद मोदी जो है वो चला आ रहा है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं, बहुत बड़े बैडमिंटन प्लेयर। 1962 में चौरी चौरा में, गोरखपुर के पास चौरी चौरा में इनका जन्म होता है, ठीक है? इनके जो पिताजी हैं वो एक शुगर मिल में काम करता है, बहुत अमीर परिवार नहीं होता है। 8 बच्चे होते हैं, उनमें सईद मोदी सबसे छोटे होते हैं, ठीक है? अब क्या है, छोटे थे ये तो इनसे जो बड़े बच्चे थे, मतलब जो बड़े भाई बहन थे इनके, वो क्या करते थे, वो भी काम करते थे ताकि सईद मोदी अच्छे से पढ़ सके। स्कूल में ही जब सईद मोदी पढ़ा करते थे तो गजब का टैलेंट था, बैडमिंटन बहुत ही बेहतरीन खेलते थे, ठीक है? इतना बढ़िया कि इनसे कोई जीत ही नहीं पाता था। तो घर वालों को लगा कि इस टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसके लिए पैसा लगता है, तो इनका पूरा घरबार काम करने लगा था ताकि हम सईद मोदी को हेल्प कर पाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, परिवार ने अच्छा सपोर्ट किया, सपोर्ट मिला, और फिर हम देखते हैं कि सईद मोदी आगे बढ़ते गए और सिर्फ 16 साल की उम्र में देश का भी और अपने परिवार का भी नाम रोशन कर दिया। 16 साल की उम्र में इन्होंने, हम देखते हैं कि चैंपियनशिप जीतना शुरू कर दी थी, ठीक है? तो ये चीज है। 1980 से लेकर 1987 तक ये नेशनल चैंपियन बैडमिंटन चैंपियन रहे, 8 बार ये नेशनल चैंपियनशिप जीते, ठीक है? और ये रिकॉर्ड है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। 1980 से लेकर 1900 लगातार इनसे कोई, इनको कोई नहीं हरा पाता था। दीपिका पादुकोण के पिताजी प्रकाश पादुकोण, जो कि बहुत ही बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर थे, वो भी इनको नहीं हरा पाए। कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते, यूरोप में बहुत सारी, रशिया में चैंपियनशिप हुई, चाइना में चैंपियनशिप हुई, एशियन गेम्स हुए उसमें जीते, ठीक है? तो इनको हराना बहुत मुश्किल था। अगर इनका करियर अच्छा चलता तो ये ओलंपिक में गोल्ड भी लाते, लेकिन दोस्तों वो बदनसीब शाम 28 जुलाई 1988 को केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में, मैं लखनऊ में ही रहता हूं, तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है यहां पे, ठीक है? और बहुत बड़ा स्टेडियम है, ठीक है? हालांकि वो एक क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन सारे स्पोर्ट्स वहां पे प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। अब तो लखनऊ को एक नया स्टेडियम मिल गया है, एकाना स्टेडियम। तो हम बात करें, केडी सिंह स्टेडियम से वो बाहर निकल रहे थे, 5 लोग आते हैं, उनमें से 2 लोग गोली मार देते हैं और बहुत ही पास से गोली मारी गई थी, 5 गोलियां लगती है सीने में, वहीं खत्म। क्योंकि सईद मोदी इतने बड़े बैडमिंटन प्लेयर थे, जब इनको मारा गया, दुनिया छोड़िए, देश छोड़िए, पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि ऐसा कैसे हो गया कि इतना टैलेंटेड प्लेयर को मार दिया गया। प्लेयर की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? लेकिन दोस्तों कहानी बड़ी गहरी है, ठीक है? हम बताते हैं कहानी क्या है। देखिए 1978 जब ये 16 साल के थे तो ये चैंपियनशिप पे सिलेक्ट हुए थे कि आप बाहर जाके, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में, कि आप बाहर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी उम्र में सईद मोदी जो है वो बैडमिंटन खेलने लगे थे, तो चाइना गई, ठीक है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग, वहां पे गए। वहां पे इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है अमिता कुलकर्णी, ठीक है? अभी एक महाराष्ट्रियन, महाराष्ट्र के मुंबई से आती थी, काफी अमीर परिवार, खुद भी बहुत मॉडर्न, बहुत ही ज्यादा सुंदर, इंग्लिश एकदम फर्राटेदार बोलने वाली, बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही फैशनेबल। तो अमिता कुलकर्णी
और सईद मोदी की मुलाकात हुई। सईद मोदी बिल्कुल ऑपोजिट थे अमिता कुलकर्णी। सईद मोदी जिस परिवार से आते थे वो बहुत अमीर नहीं था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी वो, ठीक है, कोई अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी, कोई ज्यादा फैशन नहीं, वो उनका अलग ही पूरा एक परिवार था और अलग ही माहौल में वो पले बड़े हुए थे। लेकिन अमिता कुलकर्णी बिल्कुल ऑपोजिट थी। अमिता कुलकर्णी भी बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती थी, ठीक है, वुमेन्स टीम का हिस्सा थी। दोनों में मुलाकात हुई, बातें हुई, आंखों आंखों में प्यार हो गया, ठीक है, और दोनों में प्यार हुआ, दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने एक दूसरे से बोला कि हमको अब एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन माँ बाप कैसे राजी हूं। सईद मोदी तो मुस्लिम थे, अमिता कुलकर्णी हिंदू, कल्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस, पहली बात, ठीक है, कल्चर अलग और रहना सहना अलग, सब अलग, तो बहुत। और उस समय तो दोस्तों आपको पता ही है कि कितना मुश्किल होता था, आज भी मुश्किल है, उस समय तो और ज्यादा मुश्किल, ठीक है, लेकिन प्यार के आगे कुछ नहीं टिकता, प्यार के आगे हर कुछ झुक जाता है। जब इंसान को प्यार हो जाता है तो सब कुछ छोड़ देता है, क्या धर्म, क्या सब परिवार, सब साइड में रखो, प्यार को आगे रखो। तो यही सईद मोदी और अमिता ने चाहा। तो सईद और अमिता अपने परिवार को मनाने में लग गए, लेकिन परिवार का यह मानना था कि चलो ठीक है, कल्चर को साइड में रख के तुम शादी कर भी लेते हो, लेकिन मत भूलो तुम दोनों एक ही प्रोफेशन के हो, एक ही प्रोफेशन के हो, और एक ही प्रोफेशन के रहने के कारण तुम दोनों में ईगो प्रॉब्लम्स आएंगे, ये होता है दोस्तों। सईद मोदी एक बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर थे, अमिता कुलकर्णी अच्छा खेलती थी, लेकिन ठीक ठाक उनका करियर था, सईद मोदी जितना बड़ा करियर नहीं था। तो प्रॉब्लम आ सकती है कि सईद मोदी इतना ऊपर जा रहे हो, तुम नहीं जा रही हो, झगड़े हो सकते हैं, और ये बहुत फैमिलीज में प्रॉब्लम होती है, बहुत कपल्स में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ईगो प्रॉब्लम। वैसे ईगो की ही वजह से सारे रिलेशनशिप टूटते हैं, तो ईगो प्रॉब्लम्स हर चीज में होती है और ये कहीं ना कहीं तो आड़े आ ही जाती है। कभी कभी तो जब दोनों सेम प्रोफेशन के होते हैं, एक इंसान बहुत ऊपर होता है, ठीक है, दो कपल है, एक इंसान ऊपर और दूसरा नीचे, तो कोई भी बात बोलता है ऐसा लगता है वो टॉन्ट है, जिसकी वजह से बहुत झगड़े होते हैं। फैमिलीज तो नहीं तैयार थे शादी के लिए, लेकिन सईद मोदी और अमिता कुलकर्णी दोनों ने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, फिर दोनों साथ रहने लगे, दोनों साथ रहने लगे। सईद मोदी का खेल जो है वो और अच्छा हो गया, और अच्छा हो गया, नेशनल चैंपियनशिप वो लगातार जीतते जा रहे थे, लेकिन जिसका डर था वही हुआ, ठीक है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा था, ईगो प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये सीबीआई ने माना है, सीबीआई ने अपने तथ्य दिए थे ना, जब सईद मोदी की सीबीआई जांच हुई तो ये कोर्ट में मामला गया, तो सीबीआई इसकी जांच कर रही थी, तो उन्होंने बकायदा बताया कि सईद मोदी और अमिता कुलकर्णी के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और इसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों में ईगो प्रॉब्लम बहुत थी, दोनों में काफी झगड़े होते थे और दोनों एक दूसरे से सहज नहीं थे। अब अमिता कुलकर्णी काफी कोशिश करती थी, ठीक है, और सईद मोदी भी काफी कोशिश करते थे, लेकिन दोनों का चल ही नहीं पाता था, बहुत दिक्कत, प्रोफेशनल जेलिसी, ईगो, सब कुछ आड़े आ रहा था। अब अमिता कुलकर्णी एक डायरी मेंटेन करती थी। अमिता कुलकर्णी ये बताती हैं, मतलब जब कोर्ट ने बताया तो उन्होंने यही सामने आया कि वो डायरी सईद मोदी के लिए ही थी। अमिता कुलकर्णी जो भी उनकी लाइफ में चल रहा था वो डायरी में लिखती थी, और वो चाहती थी कि सईद मोदी इस डायरी को पढ़े और उनका मन बदले, और सईद मोदी पढ़ते थे लेकिन वो मन नहीं बदलता तो और गुस्से में रहते थे। अमिता कुलकर्णी सईद मोदी को टीस करने के लिए, चढ़ाने के लिए, ताकि सईद मोदी गुस्सा हो और परिवार की तरफ ध्यान दो, इसलिए वो पूरी डायरी मेंटेन करती थी, ठीक है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, जो रिश्ता है वो बहुत खराब होता जा रहा था। अब यहां पे तीसरे इंसान की एंट्री होती है, ठीक है, जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो और उसको किसी और का सहारा मिल जाए तो समझ लीजिए उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये तीसरे इंसान थे संजय सिंह। संजय सिंह की दोस्तों बात करें तो संजय सिंह का आज भी बहुत बड़ा नाम है, उस समय भी बहुत बड़ा नाम था। एक पार्टी में मिली थे अमिता कुलकर्णी और संजय सिंह, हालांकि कोर्ट ने बताया कि अभी, मतलब सीबीआई ने अपनी जांच में बताया कि ये सर्कमस्टेंसेस अनक्लियर हैं कि कहां मिले थे, लेकिन ज्यादातर यही बताया जाता है कि एक पार्टी में मुलाकात हुई थी। तो संजय सिंह से जब मिली अमिता कुलकर्णी तो बातचीत होने लगी। संजय सिंह के बारे में पहले जान लीजिए, संजय सिंह राजीव गांधी के साथ पढ़े हुए थे, बहुत बड़े नेता, अमेठी के राजा और बहुत बड़े नेता, ठीक है, और काफी बार चुनाव लड़ा, जीते, इस समय एमपी हैं कांग्रेस पार्टी के, और बड़ा एकदम बहुत बड़ा इनका नाम था, प्रधानमंत्री से सीधे रिश्ते थे, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नाम संजय सिंह, काफी बड़े पॉलिटिशियन। अब जब इनकी अमिता कुलकर्णी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, दोनों में प्यार हो गया, अभी सईद मोदी से ये मैरिड है, तो प्यार हो गया दोनों में। अब इसी दौरान क्या हुआ कि सईद मोदी
अमिता कुलकर्णी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये देख लीजिए आप दोस्तों, ये सईद मोदी है और ये संजय सिंह और अमिता है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये तो ये अभी की फोटो है, बहुत ही रिसेंट फोटो है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये दोनों साथ कैसे दिख रहे हैं, मैं अभी इसका बताऊंगा, इसका रीजन पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो ये लव ट्रायंगल है एक तरीके से। तो हम यहां पे देख रहे हैं दोस्तों कि सईद मोदी और सॉरी अमिता कुलकर्णी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। सईद मोदी ये बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद जो बेटा है वो मेरा नहीं है, ये संजय सिंह का है, शक करते हैं वो। काफी दोनों में झगड़ा होता है। इसी दौरान अमिता कुलकर्णी मुंबई जाती हैं, उनको एक बेटी होती है, वो वापस आ जाती है 1988 में। और 1988 में एक और चीज होती है, रिश्ते इतने खराब हो गए होते हैं, सईद मोदी जिनको हराना नामुमकिन था वो पहली बार हार जाते हैं बैडमिंटन में, नेशनल चैंपियनशिप 1988 में नहीं जीत पाते। तो कहीं ना कहीं रिश्तों की जो कड़वाहट है, ये जो इफेक्ट है, वो इनके खेल पे भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों क्या होता है, जुलाई का महीना, 28 जुलाई को शाम को सईद मोदी प्रैक्टिस करके केडी सिंह बाबू स्टेडियम से निकल रहे होते हैं, लखनऊ शिफ्ट हो जाते हैं सईद मोदी अमिता के साथ, मतलब बाद में क्या, पहले शादी के कुछ वक्त बाद ही, क्योंकि लखनऊ में ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज हैं ट्रेनिंग के लिए। तो वो शाम को केडी सिंह बाबू स्टेडियम से अपनी प्रैक्टिस करके निकल रहे होते हैं। सामने एक दुकान होती है, वहां पे अक्सर वो हैंग आउट करते हैं, हैंग आउट मतलब चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली। उसके बाद प्रैक्टिस करके गए, अपनी स्कूटर पे बैठने ही वाले थे, कार आती है, दो लोग निकलते हैं, बहुत ही पास से पांच गोली दाग देते हैं, सीने में लगती है सईद मोदी के। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सईद मोदी की जान चली जाती है, खत्म, ठीक है। अब जब ये मर्डर हुआ, हो हल्ला हो गया, सब लोग एकदम सकते में आ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। सीबीआई ने जांच शुरू की, सीबीआई ने जांच शुरू की तो सात लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें से एक थे, एक तो इनकी पत्नी थी अमिता सिंह, अमिता कुलकर्णी, बाद में अमिता सुनेंगी सॉरी, दूसरे थे संजय सिंह, तीसरे थे एक और बहुत बड़े नेता अखिलेश सिंह, आज भी उनका बरेली में बड़ा वर्चस्व है, और चार लोग थे जो गाड़ी से आए थे, मतलब एक ने जिनको मतलब दो लोग तो वो थे जिन्होंने जिन्होंने मारा था सईद मोदी को, ठीक है। सात लोगों के ऊपर चार्जशीट दायर हुई, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सात लोगों पे चार्जशीट तो दायर हुई, उसमें सजा खाली एक ही को हुई, संजय सिंह, अमिता कुलकर्णी और अखिलेश सिंह, इन तीनों को छोड़ दिया गया। क्यों? सबूत नहीं थे। मैंने बताया ना, अभी तक ये नहीं पता चला कि ऑर्डर किसने दिया। कोर्ट ने बरी कर दिया तो किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, याद रखिएगा, किसी के भी आप ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते ने ऑर्डर दिया, अभी तक कुछ नहीं पता। तो अमिता कुलकर्णी, संजय सिंह और अखिलेश सिंह को छोड़ दिया कोर्ट ने, बचे चार। चार में से दो को बेल मिल गई, जैसे ही बेल मिली वो बाहर आए कोर्ट के, उनको गोली मार दी गई, दो खत्म। तो यहां से पांच लोग, तो खाली दो बचे हैं, पांच लोग ऑलरेडी बरी हो गए, एक को भी सबूत के अभाव में बरी कर दिया, बचे खाली भगवती सिंह जिन्होंने गोली मारी थी 2009 में, उम्र कैद की सजा सुनाई। सीबीआई ने बोला फांसी दो, कोर्ट ने बोला उम्र कैद रखो, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो सात लोगों में से खाली एक को सजा हुई, भगवती सिंह को, और अभी तक पता नहीं चला कि ऑर्डर किसने दिया। यह पूरा मामला खत्म हुआ कुछ वक्त बाद, अमिता कुलकर्णी ने संजय सिंह से शादी कर ली। हालांकि संजय सिंह की उस समय एक और पत्नी थी और उनसे उनके दो बच्चे भी थे। तो कुछ वक्त बाद अमिता कुलकर्णी ने संजय सिंह से शादी कर ली, तो इससे एक चीज तो पता लग गया कि वाकई में अमिता कुलकर्णी और संजय सिंह के बीच प्यार था, क्योंकि अगर वो नहीं करती तो कयास लगाए जाते, लेकिन ऐसा नहीं था। तो अब अमिता कुलकर्णी अमिता सिंह है, और अभी की सिचुएशन ये है दोस्तों कि संजय सिंह एमपी हैं और अमिता कुलकर्णी भी चुनाव लड़ी, वो एमएलए हो गई, समझ रहे हैं ना। तो वो विधायक हैं, और अमिता सिंह जो है वो विधायक है और संजय सिंह जो है वो सांसद है, आपने देखा ना दोनों की फोटो। तो ये दोनों शादीशुदा हैं। अब इनकी जो पहली बीवी है उन्होंने बोला कि मुझे डाइवोर्स नहीं दिया और आपने पहले शादी कर ली, तो एक कोर्ट में काफी लंबा मामला चला, ठीक है ना, 2016 तक ये पूरा मामला चला, इसको फिर रफा दफा किया गया, ठीक है, समझौते समझौते काफी ज्यादा हुए। अब इनकी जो बेटी है, अमिता की जो बेटी है आकांक्षा, उनको संजय सिंह ने अपना बिल्कुल मतलब बेटी की तरह रखा, उन्होंने गोद लिया, ठीक है, और जो भी पढ़ाई आगे की वो जिम्मेदारी संजय सिंह ने ली, ठीक है। तो ये चीज है। अब दोस्तों सवाल यही उठता है कि ये कितने प्रोमिनेंट प्लेयर, स्पोर्ट्स पर्सन जो भारत का नाम रोशन कर सकता था, है ना,
हत्या ऐसे हो जाती है। अमिता सिंह ने इसके बाद बोला था कि मैं, क्योंकि जब बहुत इल्जाम लगने लगे कि अमिता सिंह ने यह किया है, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी, तो मैं कैसे उनको मार सकती हूं। सच भी है, मैं कैसे, कभी मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, और अगर मैं कुछ भी करती तो कोर्ट मुझे सजा देता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी तक नहीं पता चला कि किसने सईद मोदी को मारा था। फिलहाल आपने सुना होगा सईद मोदी टाइटल जो है, हर साल नेशनल चैंपियनशिप होती है सईद मोदी के नाम से, और सरकार ने उनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया है, ठीक है ना, अर्जुन अवार्ड भी सरकार ने उनको दिया था 1980s में ही दिया था। तो यह कहानी थी, फिलहाल आप सीरीज को एंजॉय करिए जो आने वाली है। इन पे एक मूवी भी बनी है देवानंद की, 100 करोड़, काफी हिट हुई थी 1991 में वो मूवी आई थी। ठीक है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।